हाय फ्रेंड्स, आइए आज डिस्कस करते हैं 21 फीट बाई 36 फीट के हाउस प्लान पर। यह प्लॉट ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्लॉट के मैप में इसकी आउटर वॉल्स की थिकनेस 9 इंचेस है और इनर वॉल्स की थिकनेस 4 इंचेस। इसकी विड्थ 21 फीट है, इसकी लेंथ 36 फीट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेन एंट्रेंस और ये पोर्च एरिया। पोर्च एरिया की डायमेंशन 7 फीट बाई 10 फीट। ये हमारी स्टेयर्स हैं। यहाँ पे ये हमने 4 फीट का ओपन पैसेज छोड़ा हुआ है। ये हमारा मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम की डायमेंशन 14.6 फीट बाई 12.2 फीट। लिविंग रूम से ही ये किचन। किचन की डायमेंशन 7 फीट बाई 9.10 फीट। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो डिजाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। लिविंग रूम से ही ये कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन 6.6 फीट बाई 4 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये वेंटिलेटर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 9.6 फीट बाई 11 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो डिजाइन की गई है। एक डोर हमने ये ओपन एरिया की तरफ दिया है। ओपन एरिया की डायमेंशन 12.8 फीट बाई 4 फीट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 9.8 फीट बाई 11 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो डिजाइन की गई है और ये अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन 6.6 फीट बाई 4 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये वेंटिलेटर दिया गया है और ये ओपन एरिया। फ्रेंड्स, कुछ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि उनकी आउटर वॉल्स पर विंडोज दी गई होती हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके प्लॉट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे या फिर पीछे अदर प्रॉपर्टीज भी होती है। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार पूरा मैप देख लेते हैं। ये हमारा पूरा मैप है। ये मेन एंट्रेंस और ये पोर्च एरिया। ये हमारी स्टेयर्स हैं। यहाँ पे ये हमने ओपन पैसेज छोड़ा हुआ है 4 फीट का। ये हमारा मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम से ही है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये वेंटिलेटर दिया गया है और लिविंग रूम के वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे विंडो डिजाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा किचन है। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो डिजाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो डिजाइन की गई है और ये ओपन एरिया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो डिजाइन की गई है और ये अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस ओपन एरिया से 2 बेडरूम और 1 वॉशरूम, इन तीनों को वेंटिलेशन के लिए कनेक्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसा ही कोई मैप बनवाना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।